नमस्कार दोस्तों, टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग सेकेंड पेपर की फिफ्थ यूनिट पढ़ रहे थे, जिसमें ये हमारा दूसरा पार्ट है और इसमें हम देखेंगे पाठ्यक्रम मूल्यांकन में रुझान और प्रविधियां, ट्रेंड्स एंड टेक्निक्स इन कैरिकुलम इवेल्युएशन, जिसके अंतर्गत हम रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन की बात करेंगे। इसके बाद प्री एंड पोस्ट टेस्ट और लास्ट में देखेंगे पाठ्यक्रम का पुनर्निर्माण और मूल्यांकन की प्रविधियों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। अब देखो, हमें पाठ्यक्रम मूल्यांकन में रुझान और प्रविधियां देखनी है, यानी कि पाठ्यक्रम मूल्यांकन की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम भूमिका बनाएंगे कि पाठ्यक्रम मूल्यांकन होता क्या है। तो हम कहते हैं शिक्षा निरंतर गति से चलने वाली प्रक्रिया है और ये समाज की आवश्यकताओं के अनुसार बदलती रहती है, क्योंकि शिक्षा जो है समाज की आवश्यकताओं को पूरा करती है और समाज की आवश्यकताएं समय के साथ साथ बदलती रहती हैं, इसीलिए शिक्षा प्रक्रिया भी बदलती रहती है, जिसके लिए पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन किया जाता है, क्योंकि शिक्षा जो है पाठ्यक्रम पर डिपेंड है, पाठ्यक्रम भी शिक्षा पर डिपेंड है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। और पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहा है या असफल, ये जानने के लिए पाठ्यक्रम का मूल्यांकन किया जाता है। अब हम अपने टॉपिक पर आ पाए कि पाठ्यक्रम मूल्यांकन होता क्या है। वर्तमान समय में शिक्षाविद और मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम मूल्यांकन के लिए नए नए रुझानों, नए नए ट्रेंड्स को अपना रहे हैं, जिनमें प्रमुख निम्न है। सबसे पहला है पूर्व और पश्च परीक्षण, प्री एंड पोस्ट टेस्ट। दूसरा है रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन या निर्माणात्मक और संकलनात्मक मूल्यांकन, यानी कि फॉर्मेटिव एंड फ्यूमेटिव इवेल्युएशन। ठीक है, योगात्मक मूल्यांकन को हम समेटिव इवेल्युएशन भी कहते हैं। तीसरा है पाठ्यक्रम की पुनर्रचना और पुनर्परीक्षण, रिकंस्ट्रक्शन एंड रीटेस्टिंग ऑफ कैरिकुलम। एक एक की हम बात करते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं प्री एंड पोस्ट टेस्ट, पूर्व और पश्च परीक्षण। तो नाम से ही सिंपल है, समझने जैसी कोई खास बात नहीं है। ठीक है, तो प्री टेस्ट यानी कि पूर्व परीक्षण, जो परीक्षण पहले किया जाए। जब नया पाठ्यक्रम बनाया जाता है तो उसकी रूपरेखा पाठ्यक्रम निर्माताओं को प्रारंभ में ही दी जाती है कि पाठ्यक्रम आपको कैसा तैयार करना है, जिसके आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। नव सृजित पाठ्यक्रम दी गई रूपरेखा के अनुसार है या नहीं, वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर भी पाएगा या नहीं, इसके लिए किया गया परीक्षण पूर्व परीक्षण कहलाता है। और ये पाठ्यक्रम क्रियान्वयन से पहले होता है, यानी कि पाठ्यक्रम को शैक्षिक प्रक्रिया में लागू करने से पहले जो परीक्षण किया जाता है वो कहलाता है पूर्व परीक्षण, कि पाठ्यक्रम शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त भी कर पाएगा या नहीं। अब सेकेंड है पश्च परीक्षण, पोस्ट टेस्ट, यानी कि ऐसा टेस्ट जो बाद में किया जाए। ठीक है, तो जब नव निर्मित पाठ्यक्रम पूर्व परीक्षण में सफल होकर क्रियान्वित हो जाता है, शैक्षिक प्रक्रिया में क्रियान्वित हो जाता है, तब सत्र के अंत में छात्रों के व्यवहार में हुए परिवर्तनों द्वारा उनका मूल्यांकन पश्च परीक्षण कहलाता है। इसमें इस बात का पता लगाया जाता है कि छात्रों को किस क्षेत्र में अधिगम करने में कठिनाई हो रही है, उसी के आधार पर मूल्यांकन करके पाठ्यक्रम में संशोधन किया जाता है। नेक्स्ट है रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव एंड फ्यूमेटिव इवेल्युएशन। तो सबसे पहले रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन की बात करते हैं। इसे निर्माणात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं, क्योंकि रचना का मतलब क्या होता है, निर्माण करना, फॉर्म करना। ठीक है, तो इसे निर्माणात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। इसका उपयोग जब होता है जब विद्यार्थियों का निर्माण हो रहा होता है। मतलब क्या है, जब विद्यार्थियों का निर्माण हो रहा होता है, यानी कि जब विद्यार्थी पाठ्यक्रम पढ़ रहे होते हैं, अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं, अर्थात शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पठन पाठन शुरू हो जाता है। ये एक सतत मूल्यांकन है, जिसमें विद्यार्थी और अध्यापक दोनों को अधिगम की सफलता या असफलता से संबंधित फीडबैक दिया जाता है, पृष्ठ पोषण दिया जाता है। दूसरा आता है योगात्मक मूल्यांकन, फ्यूमेटिव और समेटिव इवेल्युएशन। तो इसे संकलनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। ठीक है, संकलन करना, यानी कि जो लास्ट में किया जाए। तो इसकी प्रक्रिया सतत नहीं होती है, बल्कि सत्र या पाठ्यक्रम की समाप्ति पर योगात्मक मूल्यांकन किया जाता है, लास्ट में किया जाता है। इससे ये जानने का प्रयास किया जाता है कि छात्रों को सत्र के अंत तक कितने शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति हो पाई है, शैक्षिक लक्ष्य जो निर्धारित किए गए थे उनकी प्राप्ति हो भी पाई है या नहीं। इसका प्रयोग ग्रेडिंग, श्रेणीकरण, प्रोन्नतिकरण और प्रमाण पत्र देने के लिए किया जाता है। जो सत्र के अंत में होता है उसका प्रयोग किसके लिए होगा, ग्रेड देने के लिए, श्रेणी देने के लिए, प्रोन्नत करने के लिए। ठीक है, प्रमाण पत्र देने के लिए।
अब इसके बाद पाठ्यक्रम की पुनर्रचना और पुनर्परीक्षण रिकंस्ट्रक्शन एंड रीटेस्टिंग ऑफ करिकुलम। पुनर का मतलब क्या होता है? दोबारा, तो दोबारा रचना और दोबारा परीक्षण। तो सबसे पहले देखते हैं, सिंपल है, पाठ्यक्रम की पुनर्रचना रिकंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम। नव विकसित नया बनाया गया पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन से पहले ट्रायल यानी कि जांच किया जाता है, अगर कोई कमी पाई जाती है तो उसमें संशोधन करना ही पाठ्यक्रम की पुनर्रचना कहलाती है, दोबारा रचना, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन। अगर कोई कमी पाई जाती है तो उसकी दोबारा रचना की जाती है, वही कहलाती है पाठ्यक्रम की पुनर्रचना। इसके बाद पाठ्यक्रम का पुनर्परीक्षण, तो रीटेस्टिंग ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम की पुनः रचना के बाद उसका पुनः परीक्षण किया जाता है। अगर पाठ्यक्रम पुनर्परीक्षण के बाद सफल हो जाता है तो उसे लागू कर दिया जाता है, नहीं होता है तो उसकी फिर से रचना होती है। ऐसे आप समझ सकते हैं कि पाठ्यक्रम रचना, पाठ्यक्रम नव विकसित पाठ्यक्रम जो है बनाया गया है, पाठ्यक्रम की रचना की गई है, उसके बाद उसका परीक्षण होगा, उसमें कोई अगर कमी पाई जाएगी तो उसको संशोधित करके उसकी दोबारा रचना होगी, पुनर्रचना होगी, उसके बाद उसका फिर परीक्षण होगा तो वो कहलाएगा पुनर्परीक्षण। फिर अगर कोई कमी पाई जाती है तो फिर पुनर्रचना होगी, फिर पुनर्परीक्षण। जब तक वो सफल नहीं हो जाता है तब तक उसका पुनर्रचना पुनर्परीक्षण किया जाता है। अब लास्ट में पाठ्यक्रम मूल्यांकन की प्रविधियां, टेक्निक्स ऑफ करिकुलम इवेल्युएशन। पाठ्यक्रम मूल्यांकन के लिए कौन सी प्रविधियां अपनाई, कौन सी विधियां अपनाई जाती हैं? तो पाठ्यक्रम मूल्यांकन की प्रमुख प्रविधियां निम्न है। एक्चुअली पाठ्यक्रम मूल्यांकन में हम मूल्यांकन किसका करते हैं? मूल्यांकन तो हम छात्र का ही करते हैं। छात्र अगर शैक्षिक उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर रहा है तो वो पाठ्यक्रम अच्छा कहलाएगा। अगर उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, अधिगम नहीं कर पा रहा है तो वो पाठ्यक्रम बेकार कहलाएगा, उसमें संशोधन की जरूरत होगी। तो इसमें बहुत सारी विधियां आ जाएंगी जो हमने व्यक्तित्व मापन की विधियां देखी थी, ठीक है, निरीक्षण विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, क्रम निर्धारण मापनी यानी कि रेटिंग स्केल, प्रयोगात्मक परीक्षाएं जो प्रैक्टिकल होते हैं, मौखिक परीक्षाएं, लिखित परीक्षाएं, व्यक्तिगत डायरी, आत्मकथा, वार्ता, ठीक है, रोरसा परीक्षण, टीएटी परीक्षण, ये सभी आ जाएंगे पाठ्यक्रम मूल्यांकन की प्रमुख प्रविधियों की, क्योंकि हम छात्र का मूल्यांकन कर रहे हैं, उसी के आधार पर हम कह देते हैं कि पाठ्यक्रम कैसा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे सतत और व्यापक मूल्यांकन। अगर आप इन रिटन नोट्स का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।